अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से। मेरा नाम असद खान और मेरे साथ हैं जी कैमरे पर चांद भाई। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते हैं। ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि आप दोस्तों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो बनाते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। गुजारिश है आप दोस्तों से, जो भी आप अकाउंट सोशल अकाउंट यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें। कुछ टाइम पहले, कुछ दिन हुए होंगे अभी मेरे ख्याल से, हमने लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें आप दोस्तों से हमने ये कहा था कि हम जो है वो फ़िलहाल ये कोई वैसे बात नहीं कर रहे थे, हम कन्फर्म था कि हम चैनल को जो है ना वो बंद कर रहे थे। तो लेकिन आप दोस्तों ने इतना प्यार दिखाया और हमें फोर्स किया कि आप लोग एक मंथ जो है हमें दें, तो इंशाल्लाह हम आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो भी हमारे दोस्त हैं उनको जो है वो पहुँचाएँगे उन तक। तो और ज़्यादा शेयर करने की वजह जो है वो यही है, आप दोस्तों को पता है कि इस चैनल के थ्रू जितनी भी अर्निंग होती है वो हम जितने भी गरीब लोग हैं जो उन लोगों तक हम पहुँचाते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं जो भी ज़रूरतमंद है। तो कुछ दोस्त हैं वो सुपर चैट के थ्रू हेल्प करते हैं, कुछ दोस्त जो है वो अपना शेयर करके वीडियो को हिस्सा डालते हैं, और कुछ दोस्तों ने गुजारिश की थी कि आप लोग हमें अपना कोई अकाउंट नंबर वगैरह जो है ना वो दे दें तो हम आपको जो है ना डायरेक्ट पैसे सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने फिर ये था कि आपको स्क्रीन पे नंबर जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, उसमें जैज कैश का अकाउंट नंबर है और दूसरा है बैंक अकाउंट। जो बाहर से करना चाहते हैं उसके लिए, आउट ऑफ कंट्री से करना चाहते हैं उनके लिए ईजी होगा, बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, और जो दोस्त पाकिस्तान के थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए वो बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं और जैज कैश में भी, तो जैसे आपको ईजी लगे। बाकी जो दोस्त नहीं कर सकते कुछ भी सेंड, वो काइंडली वीडियो को लाजमी जो है वो शेयर किया करें। बिल्कुल जी, इसके साथ जो है बहुत सारे घर जो हैं वो गरीब लोग जुड़े हुए हैं, यही नहीं कि इससे जो है वो हमें ही फ़ायदा हो रहा है, हम तो बस अपना जो है वो शूट करने आते हैं और इससे जो है फ़ायदा तमाम जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उनकी हेल्प करते हैं। और आप दोस्तों को भी चाहिए अगर हो सके तो आप ज़रूर उनके लिए जो है वो हेल्प करें। की मेन वजह यही थी कि इतनी हम मेहनत करते हैं, ठीक है, वीडियो शूट करना, फिर उसको जो है एडिट करना, 4-5 घंटे तो एडिटिंग को ही लग जाते हैं, तो उसको फिर अपलोडिंग करना, फिर आगे व्यूज़ नहीं आने, तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना इस चैनल को फिलहाल बंद कर देंगे और जो हम दोस्तों की मदद कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, लेकिन फिर मेहनत करो तो उसका आगे से कुछ सिला भी मिले ना, ताकि कुछ हमें इससे अर्निंग हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। ये हमने कदम तब उठाया था जब हमारी इनकम ठीक ठाक थी, अच्छी खासी जो है हम अर्न कर रहे थे, तब हमने ये सोचा कि क्यों ना गरीब लोगों की मदद की जाए। खैर जैसे ही हमने मदद करना शुरू की, चंद सालों में ही जो है हमारा चैनल जो है बिल्कुल लो हो गया, जैसे कि आपके सामने व्यूज़ हैं बहुत कम आना शुरू हो गए, उसी के साथ इनकम भी जो है वो ना होने के बराबर आ गई। तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि यार जो हम इस चैनल पर टाइम देते हैं वो कोई और काम करते हैं ताकि उनका जो है हम वो जो घर है वो तो चले उनका। बाकी काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि आप जो है ये चैनल कंटिन्यू रखें, हम आपकी जो है वो हेल्प करेंगे जितना हो सके। तो अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं है, जैसे कैसे उनका तो जो है वो जो निज़ाम चल रहा है वो तो चलना ही चलना है। अब हम ये तो उनको कह नहीं सकते कि भाई जो है वो हम अब आपकी जो है वो हेल्प नहीं कर सकते, खैर जितना हो सके हम करेंगे। बाकी आप दोस्तों के भी जो है वो हमने काफ़ी दफ़ा आप दोस्तों को भी बोला है, अगर हो सके तो आप दोस्त भी ज़रूर मदद कीजिएगा। ठीक है चांद भाई, अब लोकेशन की बात कर लें, हम जिस लोकेशन पर अभी मौजूद हैं इस लोकेशन पर कहते हैं कि यहाँ पर पहले अभी ये न्यू बने, न्यू को भी तकरीबन जो है 7-8 साल हो चुके हैं, जब ये पहले था ना कच्चा घर था, पहले की बात है, तब यहाँ पर एक आदमी ने खुदकुशी की थी एक गन के साथ। तो कहते हैं कि वो गन जो है ना पहले इतना नहीं होता था, अब तो खैर वेरिफिकेशन करने के लिए टीमें आती हैं, वो सार जो कुछ भी हो जिससे भी आपने कुछ किया हो, खुदकुशी की हो, वो ले जाती है साथ में पुलिस, तब पुरानी बात है तकरीबन। खैर ये पुरानी बात है, तब यहाँ पर जो है वो 20-30 साल पहले की बात है, तब की थी खुदकुशी यहाँ के जो है वो रहने वाले थे उन्होंने। तो वो कहते हैं कि
उन्होंने उसको तो दफना दिया, वो जो गन थी ना वो इनके पास ही पड़ी थी, तो वो गन इन्होंने 20 साल बाद जब निकाली है ना बाहर, उसके साथ उसके बाद अजीब से जो है वो मामलात होना शुरू हो गए, जैसे कि गन के चलने की आवाज़ आना और ऐसे लगना कि जैसे कोई गन हमारे ऊपर जो है वो तान रहा है, ख्वाब आने ड्रोने, यहाँ पर जो रहने वाले अभी जो रहते हैं उनको ख्वाब आते हैं कि जैसे उसी गन के साथ उनको कोई अभी मारने आ रहा है, ये यहाँ पर मामला आते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट, चीज़ों का इधर उधर गिरना, क्या है आ रही है आपको आवाज़? पहले जब आप बोल रहे थे मैंने आपको बात नहीं आपकी काटी, वो रूम के अंदर से ना मुझे इस तरह की आवाज़ आई। कहते हैं कि ये मामला तब शुरू हुए जब इन्होंने उस गन को निकाला बाहर। हम जो है देखते हैं गन, कहते हैं कि इनमें से कोई एक रूम है जिसके अंदर पड़ी है, उसको भी जो है वो देखते हैं। बाकी हम यहाँ पर, उन्होंने कहा था आप कदम रखेंगे तो आपको वो चीज़ जो है ठहरने नहीं देगी। हमने तो काफ़ी देर खड़े होकर वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह करवाए, आप दोस्तों से बात भी की है, हमें तो फ़िलहाल ये एक आधी जो है आवाज़ आई है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ नहीं फ़िलहाल अभी तक देखने को मिला। तो उम्मीद है जैसे उन्होंने बताया है, बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो तो बता रहे थे कि वाकई ही यहाँ पर जो है वो खुदकुशी की थी उस शख्स ने, उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं उनको नज़र आया। तो ये जो चंद दिन पहले उन्होंने बताया कि कोई बुजुर्ग का भी बता रहे थे कि वो लाए थे, उन्होंने काफी कुछ साल हो गए हैं। हाँ जी, उसने कोई पढ़ाई वगैरह की थी और ऊपर रखा था कुछ चीजें वगैरह, तो लेकिन अभी फिर से जो है मामला तो ऐसे ही है, कुछ टाइम के लिए जो है थम गए थे, लेकिन अब दोबारा उन्होंने इस घर को शायद खोला क्या किया, उसके बाद से फिर से ज्यादा हो गए। ऐसे ही चांद भी बता रहे हैं चीजों का, कहते हैं कि गिरना, रात टाइम सो रहे होते हैं बर्तन गिर जाते हैं, दूध पड़ा होता है वो गिर जाता है नीचे, कभी कहते हैं दूध पड़ा होता है दिन को उठते दूध होता ही नहीं है, जैसे कोई जानवर पी गया हो। ठीक है, वायर हिल रही है, अभी भी वायर मूव हो रही है यही। रिकॉर्ड हुआ चांद भाई? अच्छा, इनका ना एक लड़का है, कहते हैं कि 13-14 साल का है, वो जब से इनको वो गन मिली है ना तब से अजीब से वो हरकतें कर रहा है, वो कहते हैं कि ऐसे बातें करता है कि मैंने जो है वो गन चलानी है, मैंने इसको मारना है, मैंने उसको मारना है। कहते हैं उसको जो है वो इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर कहते हैं बच्चा है बस ऐसे ही जो है वो मुंह से बातें निकालता रहता है, फिल्में देखता होगा या कोई मूवीज़ वगैरह जो है वो देखता होगा इसलिए कहते हैं। बाकी कहते हैं अजीब सी जो है वो शक्लें बनाता है दीवार के ऊपर, वो शायद जानते पीछे बनी हुई है हमारे, वो देखें कॉर्नर में काट लिया उसने। अब ये जरूरी मक्खी नहीं हो सकती, ये छिपलियों को दिखाना यार, ये सीधा आकर बैठे और इसने जो है वो डंक मारे। अब चलेगी मक्खी
मक्खियाँ चल रही, यहाँ पर जो है वो ऊपर वो दरख्त है उसके ऊपर लगी हुई है। ये क्या है? क्या है यार ये, क्या चीज है? जुबान निकाली हुई जुबान वाही। है क्या है? ये क्या है? जुबान है क्या चीज है ये? अजीब सी कोई चीज कुछ है। पकड़ा हुआ है या सुना है कुछ? क्या चक्कर है? ये टायर कहाँ पड़ा है? इसी दरवाजे नहीं, ये मैं देखा था उधर, बस कहाँ पड़ा है? इसी दरवाजे से और टायर भी जो है उधर सीधे जाके लगा उसी दरवाजे से। टायर पड़ा कहाँ था? वो सामने की कोई चीज है, नुकीली आगे से। कुछ लिखा हुआ शायद उसी बच्चे ने किया हो, लेकिन वो उस दीवार की जो ड्राइंग है ना वो साफ नजर आ रही, शक्लें सी बनी हुई है। रूम में उन्होंने बोला था कि रूम में पड़ी है। अच्छा, ये जहाँ भी पहले था पुराना मिट्टी का बना हुआ सारा घर, अभी इन्होंने कहते हैं कि दोबारा। अच्छा, एक्टिविटीज जो है ना तकरीबन सारी घर में है। अभी तो जहाँ से इन्होंने जो है वो कोई रूम ओपन भी नहीं किया। अभी हम बाहर बाहर ही है ना, उस एरिया में भी एक्टिविटीज हो रही तो रहेंगी। गर्मी बहुत ज्यादा है इस रूम में तो। चप्पल पड़ी है। अच्छा, कहते हैं कि जब से उस बच्चे इनको कोई गन मिली है ना, तब से कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो अजीब सी बातें करता है, और उसका अजीब सा जो है वो बिहेवियर हो गया, गुस्सा करता है, सबको कहता है कि मैंने आप मार देना है, इसको मार देना, उसको मार देना, ऐसी बातें करता है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है वो, तो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है। ये क्या? रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, दो से तीन जो है वो चीजें मूव जो हुई है ना, मैं कहता हूँ ये सामने जो पंखा पड़ा है ये भी कैमरे में हुआ है, और ये मतलब वो चीज अपने आप को खुलकर जाहिर कर रही है। वो जो टायर आया है ना उसकी नहीं समझ, बिल्कुल मेरे पास से गुजरा है और आप
ये देखे कि उसकी स्पीड तो स्लो थी, पर वो जो ना काफी जोर से आकर लगा है वो डोर के अंदर। वो डोर जो है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा और तेज होता ना, शायद डोर जो है वो ओपन हो जाता। काफी आवाज सही है, बड़े जोर से लगा। अच्छा, जब हम यहाँ पर खड़े होकर चांद भाई इंट्रो करवा रहे थे ना, तब मुझे 2 से 3 दफ़ा लगा जैसे कोई ना हमारे आसपास हो, जैसे बंदा चलता है ना पाँव की आवाज़ आती है। मुझे आपके बिल्कुल वो उधर करीब में सुनाई दी थी, जैसे कोई कॉर्नर में हो ना कुछ, तो 1 से 2 बार किसी लेडीज की आवाज आई थी जिस रूम में, वो टायर लगा ना उस रूम में मुझे लगा। अच्छा, एक जो है वो रूम इन्होंने, उसकी हमें चाबी नहीं दी, और उसकी क्यों नहीं दी, उसकी हमें उन्होंने कोई वजह ही नहीं बताई। यही जो है वो मूव हो रहा है। अच्छा, काफी जो है ना वो, ये आपको अभी आवाज आई, ये काफी टाइट है। अच्छा, ये वाला रूम है चार भाई, कौन सा? ओए अस्तगफिरुल्लाह, यार इसकी कोई आवाज भी नहीं आती एकदम से। वही ना, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एक होती है ना कि हल्की सी आवाज हो किसी चीज की चलने की, वो भी नहीं आ कुछ रही। जरा सी भी सरसराहट नहीं हुई यार एकदम से, ये ये देखे पहले यहां पर आकर लगे जैसे ये डोर खोलने की कोशिश की गई हो। तो एक होल कर देखे, इसको लॉक किया हुआ है, बाकी ओपन है वही इसके मैं अंदर बता तो रहा था कि क्या उनसे जब हमने पूछा था ना, मेरी है। जो बात इसके हुई थी, अंदर वो कहते हैं कि नहीं उसकी की नहीं मिल सकती, बाकी मैंने वजह पूछी तो कहते हैं बस छोड़ें, बाकी है घर, आप जो है वो जाकर विजिट कर सकते हैं, पर उसका आप ये जो पूरी है बात नहीं ना बताते, ये इसमें कुछ कुछ राज होते हैं, क्योंकि वही मामला चलते हैं, वहां से मसला होता है। अब इसको हमने ना उन्होंने की बात बताई है और ये है भी, कोई ऐसा तो नहीं कि ये वाली जगह बन रही है, ये रूम में जहाँ इसने कोई दूसरी की हो, लेकिन ये भी हो सकता है। है ये काफी पुरानी बात देखिए ना, है ये अभी सब। उन्होंने पूरे का पूरा जो है हमें घर दे दिया है विजिट करने के लिए, अब एक रूम ना देने की कुछ ना कुछ तो वजह हो सकती है। बाकी अगर ये कहा जाए कि उनका कोई जो है वो कीमती सामान पड़ा है, वो तो खैर हमने तो वीडियो में ही दिखाना होता है हमने कौन सा उठा कर ले जाना है, बाकी सामान वगैरह तो इधर भी पड़ा होगा, साथ वाले किसी और रूम में भी पड़ा होगा। तो इतना तो इनको तुम्हारा होता है, तभी तो बुलाते हैं। ये चेक करते हैं, कोई शोल्डर पे कोई चीज है, चीज लगी यहाँ पे। जैसे इस रूम से कोई चीज निकली हो बाहर, बंद तो यही साइड रही है आपकी, इस साइड पर भी कुछ लगा है कंधे पे शायद।
ध्यान से यार, पीछे ध्यान रखना। ये देखें इधर, ये ब्लड लगा हुआ है इधर है, ये देख, ये नजर आ रहा है ये, और ये वहां से देखिए यहां पर भी। तो जहां ये भी स्टोर टाइप, यहां पर तो ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी है, तो शेप तो उसकी किचन जैसी है लेकिन मुकम्मल ना हो। गर्मी में हीट बहुत ज्यादा है यहाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दोबारा फिर आ गई उसने आपको काटा है ना, तो सामान जो आवाज आई किस चीज, कोई है इस रूम के अंदर? अगर है तो अपने आप को जाहिर कर सकता है। ये कहां से गिरी है? ध्यान से ध्यान से हो, हीट बहुत ज्यादा है। गर्मी यार, एक तो गर्मी है वैसे भी जो है ना, कुछ ओवर हीट जो है ना वो उसकी समझ नहीं आ रही है। पहले भी जहाँ आवाज आई है एक ना, जैसे छत के ऊपर जैसे खींच रहा हूँ, अजीब सी आवाज सुनाई नहीं है। ये नो अंदर तो सांस ही बंद हो रहा था। भी हो रही है और ऐसे डर सा लग रहा है जैसे ना कोई चीज अभी आपके ऊपर कोई अटैक करने लगी हो, और जब हल्की सी आवाज आती है ना उसके फौरन बाद कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, जैसे कोई चीज मूव होती है और जैसे मेरे कंधे पर कोई चीज आकर लगी है। हालांकि मुझे कोई इतना ज्यादा जो है वो दर्द नहीं हुआ, पर आवाज इस किस्म की आई है जैसे ना बहुत ज्यादा कोई चीज आकर टच हुई हो। यही तो, ये देखें जाने, ये अपनी तरफ से कहते हैं वो जो भी शक्ल बनाते हैं ना उसके हाथ में ऐसे कोई गन बनाते हैं जैसे गन पकड़ी हो, वो सामने। ये तो खैर हो सकता है वो बना रहा हो, किसी ने रोक दिया हो, आधी जो अधूरी है। एंड लिखा होता है।
ठीक है, आपके कदमों की आवाज थी। शायद सामने ही पड़ी थी। यार ये पंख, मुझे लगा है जानवी जैसे दोबारा ये पंखा जो है ना हिलाओ। देखें आप जो कोई भी मखलूक हैं जिनने चुड़ैल हैं अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं। किसी चीज को मूव करके या किसी आवाज की शक्ल में ये जैसे किसी चीज ने पंख मारे हो। ये क्या दूध है इसके अंदर लगा हुआ? ये नीचे भी दूध पड़े। देखिए आप अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं। बिना नुकसान पहुंचाए वही कह रहा हूं पीछे ध्यान से, क्योंकि एकदम से हल्की सी आवाज आती है और उसके फौरन बाद ही वो चीज जो है अटैक कर देती है। जैसे ये दूर पड़ा था और नीचे मेरा ख्याल है दूर ही पड़े, ये लस्सी लग रही है। ठीक है, अल्लाह अकबर, कुल्हाड़ी गिर रही है। वो सामने कोई खड़ा है वॉशरूम के अंदर, वो सामने सामने जो वॉशरूम जिसके ऊपर ये शक्लें बनी हुई है, अंदर 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 वाली साइड पर ध्यान से अजीब सी कोई चीज। ये ध्यान से जा इधर दरवाजे के पीछे दिखाना ध्यान से यार, कहीं खींच ना ले हाथ। ओए ओए ये क्या, ओए वो सामने कोई खड़ा है वॉशरूम के अंदर, वो सामने सामने जो वॉशरूम जिसके ऊपर ये शक्लें बनी हुई है, अंदर अंदर अंदर
अंदर वाली साइड पर ध्यान से लो ऊपर, और अजीब सी कोई चीज ध्यान से, ये ध्यान से जा इधर दरवाजे के पीछे दिखाना, ध्यान से यार कहीं खींच ना ले हाथ। यार मैंने खुद देखे है यहाँ पर, से यहाँ पर कुछ चीज खड़ी हो। कुछ चीज फोंकती है पीछे से, ये पीछे से बाल मेरे उड़े। यार चलो मैंने खुद यहाँ पर उस चीज को देखा है, किस तरह की थी देखने में यार, अजीब सी जो है वो। अल्लाह अकबर, ये देखे अब मैं यहाँ पे बोला है ना कि इधर ही है, चाहे ध्यान से वो चीज जो है ना अंदर को इसके ना कीड़ा है वो भी मरा पड़ा है अंदर, ऐसे वो चीज पानी ऐसे उठा के गिराती है ना। ये आपके सामने जो है वो अगर रिकॉर्ड हुआ ना, ये बहुत बड़ा साइन था, ऐसे जैसे बाल्टी को किसी ने पकड़ कर उल्टाया है और वापस जो है वो रख दिया है। एक होता कुछ चीज गिरती है, ध्यान से जो वॉशरूम में अजीब सा जो है ना वो, कुछ पता चला कि वो थी किस तरह की, किस कलर की? अजीब सा चल भी, वाइट वाइट जैसे होता है ना फेस उसका, और ये दीवार भी वाइट है, उसका फेस भी वाइट है, मुझे लगता है अंदर ही है यार उसने अपना। ऐसा भी कि ये चीजें जो है ना बनी हुई है और इसी के पास आने देखो है कि वॉशरूम में वैसे भी गंदगी होती है, दिखाया तो मैंने है यार दोनों तरफ से अंदर। कैमरे के सामने खुद को जाहिर कर सकते हो? बैक साइड पर जहां भी ध्यान रखें, मैं उधर ही हूँ, अंदर कुछ चीजों को और नजर आएगी। ये क्या? क्या हुआ? यार ये ऊपर से चर लगा हुआ था, जैसे किसी ने हाथ से पीछे से उतारा हो। चीज लगी सर में? नहीं यार ये जैसे पीछे से प्रॉपर एक हाथ आता है और सारी पकड़ा गया यार। ठीक हो? बहुत दर्द करना शुरू हो गया एकदम से। यार ये अजीब से मामला हो रहे हैं, पहले वहां पर कुछ चीज नजर आई और अब यहां से। यार सभी उधर से बार बार आवाज आ रही है।
इतना टाइट लगा हुआ था कि ऐसे गिर नहीं सकता था। चक्कर आना शुरू हो गया यार, ये ना जैसे ही उसी में हाथ लगाया है ना सर को, सर भारी हो गया और आंखों के सामने जैसे अंधेरा आ जाता है ना, ऐसे फील होना शुरू हो गया। और अब भी ऐसे दर्द हो रहा है, दो तीन बार आवाज आई है वॉशरूम से ना ऐसे। वरना अजीब सी जो है ना यहाँ पर दर्द। ये क्या, ये सामने 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 दिख रहा हूँ। अरे ये रूम देखते हैं खोल कर, ये पीछे से बार बार अटैक किया जा रही है। स्मेल बहुत, अल्लाह ये के स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है और हीट भी बहुत ज्यादा है इस रूम में। अल्लाह अकबर, ये देखे है भी काफी पुरानी। गन जो है आप बता रहे थे काफी बड़ी है, नजर भी नहीं आ रही चांद रही, अगर बड़ी है तो किधर। कुछ नहीं है अभी बचा वो साथ वाला रूम। देखिए अगर आप इस रूम के अंदर मौजूद हैं तो अपने आप को जाहिर कर सकते हैं, किसी भी सूरत में किसी आवाज की। ये अपने आप को कैमरे के सामने ऊपर क्या है क्या जी, ऐसे ना
नौ इंशाल्लाह। ऊपर ठीक से यार, हमें पता है आप इसी रूम के अंदर ही मौजूद हैं, क्या अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? ये तो आपने एक्टिविटी करके बता दी है, अपने आप को जाहिर कर दिया है कि आप इसी रूम के अंदर मौजूद हैं, क्या कैमरे के सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए? क्या वो जरूर सामने जाहिर कर सकते हैं कैमरे गर्मी सामने? एकदम से बढ़ती जा रही है, जैसे वो चीज ना करीब हो। चेयर भी टूटी पड़ी है, जैसे ये चीजें उड़ उड़ कर नीचे गिर रही हैं, ऐसे ही पहले भी गिरती हाँ होंगी। टूटी हुई है ना चेयर की। ऊपर जो निशान लगे हुए हैं किसके ऊपर? फिंगर्स के, ये देखो ऊपर भी देखो बेच पीछे भी सर में वो लगे सामने और ध्यान टांग पे टांगे। से कौन सा? लास्ट चले आ ऊपर जाए मैम, यहाँ पर जो है वो सांस ही बंद हो रहा है। सीधी बात तो बताते ही नहीं है ये क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या? पीछे से पता नहीं वो सामने इसके देखे मुंह देखो। ये बंदूक है वो यही लग रही है, यही इतनी पुरानी हो पुरानी लग सकती रही है। है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये क्या फांसने के बाद? क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपकी इजाजत से आना चाह रहे हैं हम, किसी किस्म का आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आ रहे, हमने कुछ ही टाइम यहां पर रहना है, अभी चले जाना है। हमें कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा। ठीक है देखे, यही है ना जंग लगा पड़ा, यही तो इतनी रखे पुरानी। हुए हैं ऊपर क्या रखे हुए हैं ये पता नहीं क्या चीज है, सूखे हुए हैं तो काफी पहले के लग रहे हैं।
निकाली कहाँ से? ये देखे ना आपको, इसी से पता चल रहा होगा कितनी इंसान गलूदा है और इतनी ही पुरानी है जितनी कि वो बता रहे हैं। काफी पुरानी। अब तो मेरे ख्याल से शायद आती भी इस टाइम के। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ये जो ये क्या, अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये तो पूरी ऊपर उठी है, पहले हल्की सी जो है वो हिली है। जब मैंने आपको बोला ये क्या है, तब जो है ना किसी मूव हुई है ये, तो मुझे ऊपर तक उठी है यार। क्या फिर से मूव कर सकते हैं? इसके साथ क्या है? इस किस्म का समझ से बाहर है ये, दूध का क्या चक्कर हो सकता है? इसको देखते ठीक है। इसमें स्मेल आ रही है ग्रीन माने के, जैसे कोई ताजा ब्लड नहीं होता उस किस्म के, अक्सर हमें ब्लड के छींटे आते हैं ना जो हमारे ऊपर जो स्मेल होती है, बिल्कुल उसी किस्म की जो है वो स्मेल आ रही है। अब ये देखें, वो कहते हैं कि इससे जो है वो खुदकुशी की गई है। मैं कैसे पॉसिबल है, इतनी ज्यादा है कि वो भी चलती नहीं होगी। जंग लगा हुआ है सारा इसको। अजीब से मैं कसम उठाने पर मजबूर हो सकता हूँ, मेरा ना अभी दिमाग काम तो कर रहा है, यकीन माने ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं चला दूं किसी के ऊपर। यार इसको रख ये दो, इसके अंदर कोई चीज ऐसी एनर्जी है जो कि आपको मजबूर करती है। अच्छा मैं इसे नीचे रख दे हूं। बंदे का काम कर रहा हो जैसे बंदा कोई चलाए, अब पता भी है खाली है, इसके अंदर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अब ये तो बिल्कुल ही फर्जन से भरी पड़ी है, तो जब बंदा पकड़ता है रख दे इसे भाई नीचे। मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ, मैं भी इसीलिए मजाक से हटके कह रहा हूँ, रख दे। Mm-hmm.
पूरी पूरी बात नहीं बताते ना, इससे असल क्या वजह कैसे जुड़ी हुई है, ऐसी कहाँ से मिली थी उनको, ये कहाँ से ली है, क्या चक्कर है इसका। क्या ये क्या हो रहा है? क्या हो? मैं अपनी तरफ से छोड़ना चाह रहा हूं, वो हाथ से निकल नहीं रही। कैसे, मैंने आपको पहले बोला है कि दिल कर रहा है बंदा ना, इसको नहीं करना चाहिए। चेक तो कराना पड़ेगा, आखिर इसके साथ क्या ऐसा मामला जुड़ा हुआ है। ये ना क्या, इसको कुछ लेकर चलते हैं, अजीब से ना अजीब सा जो है वो दिल कर रहा है, और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे दिमाग के अंदर। जरा पढ़ाई वगैरह करके ना इसको फिर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि इसके पीछे असल वजह क्या है, मामला क्या है। खाली है? खाली है यार, कैमरे से बंद कर दे, इसे पकड़ के देखें, बंद करें वीडियो कॉल, पकड़ के देखें क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसे छोड़ दे, इस पर पढ़ाई करते हैं, तो उसे लेके चलते हैं यार। ये मक्खी फिर आ गई, घूम घूम कर जो है ना वो दोबारा दोबारा हाथ में आ रही है। इसको छोड़ता हूँ वो दूसरा हाथ पड़ जाता है, को छोड़ता हूँ इस हाथ में आ जाती है। ओए ओए, आप ठीक हो? जीप से स्मेल आ रही थी। यार जानते हैं, मैं कहता हूँ इससे पहले ना मेरी तो जीप सी जो है तबीयत हो रही है, पहले कुछ हो यार फिर लेके चलते हैं। चलो है, मेरा भी सर घूम रहे, बाकी देखे हैं क्या मामला है। बहरहाल बात पूरी बताया करें यार, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमें जिस लोकेशन पर भी बुलाते हैं। ठीक हो यार? ठीक हो यार, अजीब सी ना जिसे हाथ में पकड़े, अजीब सी जो है वो। मैं जरा ना लाइट नहीं ऑफ कर रहा कि अंधेरे में, फिर आपको पता ज्यादा मामला जो है वो। यार चले बंद कर दे, जाओ चलते चले यार। इस टाइम मुझे ऐसा हुआ कि तबीयत नहीं ठीक लग रही, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, हमें दे इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।